हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ये डायग्राम है भाई, ये लिखा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम की शेप हो गई। इसमें लिखा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, ए बी सी डी लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि तो डायगनल्स हैं वो पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, तो ये होगा पॉइंट ओ, ठीक है। इच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जब हमें ऐसे प्रूव करना हो तो हम थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं, थ्योरम प्रूव करते हैं ना उसी टाइप से। तो पहले लिखेंगे गिवन पार्ट को, या लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या गिवन है भाई, लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूव, तो प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव, प्रूव करना को उसको पॉइंट लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव हमें करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। आप देखो ये ट्राइंगल तो है भाई, इनमें से तो ट्राइंगल एक तो है ए डी सी, एक है ए बी सी, ठीक है। अभी ट्राइंगल है, इसमें कोई लाइन तो पैरेलल है नहीं, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि एक लाइन पैरेलल, एक ट्राइंगल हमें गिवन होगा, उसमें एक लाइन पैरेलल होगी, वहाँ से बीपीटी थ्योरम है, थैलेस थ्योरम है, उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट वहाँ पे लिखते हैं जहाँ हमें कुछ ऐड करना हो अपनी तरफ से डायग्राम में, तो ये होगा कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या लिखेंगे भाई, एक लाइन है जो हम यहाँ लिखेंगे ओ ई, ठीक है, ये हमने ड्रॉ की है अपने, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रो डी आर ए डब्ल्यू ड्रो ओ ई जो पैरेलल है ओ ई सी डी के और बी ए के, जो ओ ई लाइन है वो सी डी और बी ए इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, अब सोल्व करेंगे प्रूफ। प्रूफ में डायग्राम ध्यान से देखना भी, प्रूफ में हम लिखेंगे पहले कोई एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ से ए डी सी, ए डी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ये ट्राइंगल ए डी सी है, इसमें ओ ई लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। उसके बाद लिख देंगे बी सी या सी डी पैरेलल है ई ओ या ओ ई के, ठीक है। इसको कहाँ से लिखा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है भैया। पैरेलल वाली लाइन जो लाइन है ये कहाँ से आई, कंस्ट्रक्शन से, ये वाली। उसके बाद सोल्व करो, अब यहाँ पे थैलेस थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हमें कोई ट्राइंगल गिवन हो और एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो वहाँ पे इनका रेशियो यानी कि ए ई अपॉन ई डी, यहाँ लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आई है, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी या फिर थैलेस थ्योरम, दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने इस टाइम तो ये लिया ट्राइंगल, अब लेंगे ए बी डी, लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे जो ई ओ लाइन है, ई ओ जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए बी के,
क्यों? ये हमने कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसी टाइप से यहां भी पेपिट थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहां पे ए ई और ई डी, ए ई और ई डी अपॉन ई डी। अब देखो यहां पे ट्रायंगल था ए बी डी, यहां से ये इसका रेशियो ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? बी ओ और ओ डी के, लिखेंगे बी ओ और ओ डी। ये होगा इक्वेशन सेकंड बाई बी पी टी। ये कहाँ से आई? बाई बी पी टी या फिर थैलेस थ्योरम, दोनों एक ही होती है। बार बार मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, थैलेस थ्योरम और बी पी टी थ्योरम दोनों एक ही है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो एल एच एस साइड दोनों की सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगी। तो लिखेंगे ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। अब देखो हमें तो ये प्रूव करना नहीं था, हमें ए ओ और बी ओ प्रूव करना है। पहले तो इनको देखिए, ए ओ है, ओ सी को सी ओ लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है भाई। ए ओ लिखा है, ए ओ को मैं सी ओ लिख दूँ, ओ सी को सी ओ लिख दिया इक्वल टू बी ओ, यहाँ पे ओ डी को मैंने डी ओ लिख दिया, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ओ को बी ओ से इधर और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ, यहाँ लिख लेता हूँ ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। अब हमें प्रूव क्या करना है? ए ओ, अब देखो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे ए ओ अपॉन ये बी ओ, यहाँ पे आ जाएगा बी ओ इक्वल टू सी ओ, ऑलरेडी यहाँ पे है और डी ओ इधर चला जाएगा डी ओ। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है अपनी क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।